हमें नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को एक रिसर्च के ऊपर भी काम करना होगा कि उसका जो घूड़ी है, उसका जो सीड है, वो कितना बेहतर डेवलप किया जाए ताकि वो घूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो, और उसका जो लावा है जिसका कि बहुत हाई मतलब डिमांड है उस लावे का, जैसे 6 सूता, 7 सूता, 8 सूता है, तो वो उस कैटेगरी का जब आएगा तब इनको प्रॉपर एक प्राइस भी मिलेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बड़े बाज़ारों में भेज भी सकती हैं। तो उसके ऊपर ये पूरा एक काम है। तो हमारा आज का जो पर्पस है वो स्टेक होल्डर मीट है, जिसमें कि दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया में जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्शन है, उनके यहाँ भी कुछ प्रोडक्शन है और दरभंगा में भी कुछ प्रोडक्शन है, तो किस तरीके से हम एक नेटवर्क बनाएं और उस नेटवर्क के जरिए हम बिहार के सुपर नेटवर्क के साथ हम बाहर के राज्यों में या दूसरे देशों में भी हम कंपीट कर पाएं। मैडम, किसान कहाँ कहाँ से आए हैं? ये किसान जो है पूर्णिया से आए हैं, दरभंगा के हैं, मधुबनी के हैं। तो अभी बेसिकली हम लोग 3 जिले से ही मंगाए हैं, लेकिन आगे आने वाले 2-3 महीनों के बाद हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरे बिहार का नेटवर्क्स बने, जहाँ जहाँ कहीं भी मखाना प्रोडक्शन का संभावना है, उत्पादन होने की संभावना है, वो सारे जगह पे हम इसको फैलाएंगे और लेकर जाएंगे। इसके साथ ही भारत सरकार का एक परियोजना है जिसको सखी ही संचालित कर रही है, स्फूर्ति के अंतर्गत ये कार्यक्रम है, जो मधुबनी में आंध्रा ठारी में हम लोग इसका एक बड़ा कारखाना बना रहे हैं। वहाँ 800 जो फार्मर हैं वो उसमें एसोसिएट हुए हैं और उसमें तकरीबन 50% महिलाएं हैं जो प्रोसेसिंग में लगी हुई हैं, पैकेजिंग में लगेंगी और वो मार्केटिंग में लगेंगी। तो ये एक बड़ा भारत सरकार का प्रोग्राम है जिसमें कि बेरोजगारी से लड़ने का कवायद उसमें किया जा रहा है। मैडम, एक प्रखंड है अलीनगर प्रखंड, उसके हरसिंहपुर पंचायत है, उसमें एक गांव है जो सिर्फ और सिर्फ मखाना फोड़ने का और वहाँ पैदावार करने का ही उस पूरे गांव में जो है फैक्ट्री के तौर पे जो है काम किया जाता है, लेकिन वहाँ उनका समस्या एक है कि वो सेलिंग नहीं हो पाता है बड़े तौर पर, उस पर आपका क्या कहना है? इसमें यही कहना है कि आज हम लोग इसीलिए एक जगह हुए हैं कि ये जो सेलिंग नहीं होता है ना, उसमें यही क्वालिटी की बात हो जाती है कि वो क्वालिटी जो ग्राहक चाह रहा है वो क्वालिटी हम नहीं दे पाते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्शन है हाई हो जाता है पर क्वालिटेटिव नहीं होता है। तो हमें प्रोडक्शन को क्वालिटेटिव भी बनाना है, जब क्वालिटेटिव होगा तभी जाके हम बाज़ार को कम्पीट कर पाएंगे। आप जैसे ही बाज़ार में जाते हैं ना, तो मॉल में ये छोटा मोटा कोई चीज़ नहीं रहता है, वहाँ ऐसा दिखना चाहिए कि एक नज़र में लोग खरीदते हैं, तो वो क्वालिटी हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा। जैसे आप सिंपल मधुबनी पेंटिंग को समझिए, मधुबनी पेंटिंग सब करते हैं, पर क्वालिटेटिव मधुबनी पेंटिंग जब होता है तो वो हमारा दूसरे देशों में जिस तरीके से बिकता है हमारे देश में भी वैसे बिकेगा। तो इसीलिए वो कहीं भी जो क्लस्टर में काम हो रहा है वहाँ पर सबसे बड़ा काम अभी है कि वहाँ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और उसके ऊपर काम होना चाहिए। मैडम, मंचा सिंह कौन कौन लोग हैं? एक है यहाँ पे अनुरंजन झा जी हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी के ज्योग्राफी के में है और वो मखाना के ऊपर काफ़ी अभी रिसर्च लिख रहे हैं और कर भी रहे हैं। और दूसरा विद्यानाथ झा जी। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये सखी के द्वारा अभी हम लोग मधुबनी में और दरभंगा में मखाना को लेके कर रहे हैं, तो मखाना के ऊपर ऐसा कर रहे हैं कि अभी तक इंडिविजुअल इसके ऊपर काम हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पे लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग एक संस्थागत काम कर रहे हैं जिसमें कलेक्टिव वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट इस पर लेके आ रहे हैं ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बने। क्योंकि ये एक काम है कि प्रोड्यूस करना, उस मखाने को पोखरा से निकालना, और दूसरा काम है उसके बाद का प्रोसेसिंग करना। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इन्वॉल्व हों और उसका जो भी आमदनी है वो महिलाओं के पास आए ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बने। और जैसे ही एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त बनती है तो उसका जो भी सशक्तिकरण का और विभिन्न मुद्दे हैं उसमें भी वो सशक्त होती जाती हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरा है कि जो हमारा रिसोर्सेस है, स्थानीय रिसोर्सेस, वो रिसोर्स हमारा सबसे ज़्यादा दरभंगा और मधुबनी में है, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो और उसका प्रोडक्शन इतना हाई हो कि हम उस प्रोडक्शन को पूरे दुनिया में फैला सकें। मैडम, क्वालिटी मखाना को लेकर के कार्यक्रम हो रही है, क्या कहेंगे इस केंद्र पे? आज इसकी चर्चा सब जगह है कि मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा जो दिल्ली मोड़ पे है, यहाँ एक रुद्रपुर में सखी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को कौशल कैसे दें, उनका रोजगार कैसे बढ़े, उसके लिए वो संस्था कार्य करती है। उस संस्था का ही ये प्रोग्राम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, वो लोग सभी आए हुए हैं। तो उनका ये प्रयास है कि
सिर्फ मखाना के उत्पादन करने से ही मखाना के उत्पादक को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा और उनका जो पारिवारिक इनकम जो बढ़ाना है, उनके जो वार्षिक आय बढ़े उससे, उसके लिए उनको इस कार्यक्रम का मेन मुख्य मुद्दा यही है कि कैसे उस मखाना से हम क्या दूसरे उत्पाद बना सकते हैं, मखाना का जो लावा बनाना है उसके लिए कौन से मशीन है और मशीन का प्रयोग करके हम कैसे उसका अच्छा से, जो कि हाथ से जो बनाया जाता है उसमें जो मजदूर बनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो आपका पॉल्यूशन होता है उसमें और प्रदूषण जो धुआं कर रोजगार भी तो है उससे जुड़ी हुई। तो अगर मशीन आप कहीं ना कहीं लाते हैं तो रोजगार बहुत सारे आदमी को छीन जाएगी, इस पर आपका क्या विचार है? एकदम बहुत सही बात पूछा आपने कि मखाना के जो हाथ से जितने बनाते हैं अभी पूरे पूरे वैसी बनता है उनका रोजगार छीन जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मानना नहीं है, ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जब पहले आप सोचे होंगे कि ट्रैक्टर जब आया तो क्या खेती बंद हो गया और बाकी लोग जो हल चलाते थे तो वो बंद हुआ, इस तरह से ये बंद नहीं होता, बहुत सी मशीनें आई। लेकिन क्या है कि उनका जो गरीब आदमी है वो जो करता है उसके परिवार पे जो प्रदूषण होता है वहाँ धुआं धूल ये सब रहता है, उससे उनको बचत होती है मशीन में। लेकिन अभी फिलहाल मशीन है, मशीन पे कार्य हो रहा है, मशीन आएगी, लेकिन उनको जो है कि हम सही माहौल में मखाना का उत्पादन करवाएं। और इस कार्यक्रम में जो मुख्य मुद्दा है कि उससे फिर हम मखाना का उत्पादन करके फिर उससे कितना बढ़िया और उत्पाद बना सकते हैं अलग अलग, जैसे देख रहे होंगे कि बहुत से छोटे छोटे जो पाउच में मखाना का स्नैक्स मिलता है, कोई आपका उसमें जो काली मिर्च के फ्लेवर में है, कोई पुदीने के फ्लेवर में है, इस तरह से 10-20 फ्लेवर अपने यहाँ कम है लेकिन दूसरे राज्यों में काफ़ी फ्लेवर में आपका मखाना लेकर के बिहार से लेके उसको बेच रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग जो उत्पादक हैं उनको इस बात की जानकारी दी जा रही है कि आप अपने यहाँ वो जो फ्लेवर बनाने का, जो अलग अलग फ्लेवर में मसाले का प्रयोग करके मखाना का जो स्नैक्स बनाते हैं भुना हुआ मखाने का, उसके लिए मशीन कहाँ से मिलेगा और कैसे करेंगे जिससे कि आपको आमदनी ज़्यादा प्राप्त हो। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर आईएस सिंह, मखाना अनुसंधान केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी अध्यक्ष।